नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। जी हां, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो 9 राज्यों में अब इसी साल विधानसभा चुनाव होने को जा रही हैं, इन विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और ऐसे में देखा जाए तो आमने सामने सभी पार्टियां हैं, एक दूसरे को कड़ी चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है, क्योंकि विपक्ष की यही रणनीति रही है कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को केंद्र से सत्ता से हटाया जा सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, क्योंकि साल 2023 में 9 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही वर्चस्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने साल 2020 में कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर, कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए और तब से लेकर अब तक सिंधिया को गद्दार कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का थोड़ा सा झुकाव यहाँ पर कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की तरफ भी देखने को मिलता है। आखिरकार क्यों, किस वजह से, यह आपको बताना चाहेंगे हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। लेकिन साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान से पूर्व डिप्टी सीएम, कांग्रेस से युवा नेता सचिन पायलट के साथ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गहरा खास रिश्ता रहा। यह रिश्ता रहा दोस्ती का, दोनों ही कांग्रेस पार्टी में रहकर अपनी दोस्ती को निभाते हुए नजर आए। ऐसे में यही देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट एक ऐसी कड़ी बन गए जिनके चलते कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश की सियासत में साल 2018 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, उस वक्त यही देखने को मिला कि सिंधिया किस तरीके से यहां पर चुनौती देने में कामयाब रहे बीजेपी को। केंद्र में जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार है, लेकिन राज्य में उस वक्त वहां पर देखने को मिली कि कैसे यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए कमलनाथ। लेकिन महज 15 महीने बाद यह सरकार गिर गई जब सिंधिया के बगावती सुर देखने को मिले, क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी में रहकर, लेकिन वो आजादी उन्हें नहीं मिल सकी। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए सचिन पायलट इस वक्त आगे किए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए साल 2018 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं आगे नजर आते, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बल्कि अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब यहां पर देखा जाए सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि कैसे यहां पर आज भी कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच यहां पर एक खास बॉन्ड देखने को मिलता है। दरअसल मध्य प्रदेश जब पहुंची थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त सिंधिया ने उस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, लेकिन यहां पर देखने को मिला कि राहुल गांधी ने उन पर तंज कस दिया। खरीद परोक्त की बात सामने आ गई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सिंधिया ने यहां पर पलटवार नहीं किया। ये एक बेहद बड़ा संकेत मिल गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। वहीं सचिन पायलट भी मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हो गए, भारत जोड़ो यात्रा में वह शामिल हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और अब देखा जाए तो सिंधिया की तरफ से कोई भी टिप्पणी उन सभी पर देखने को नहीं मिली, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर वह पलटवार करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए फिलहाल आपको बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश की मौजूदा सियासत के बारे में। जरा देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 10 महीने ही बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग ही वर्चस्व है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस, सपा और बसपा ने कमर कस ली है और ऐसे में देखा जाए तो तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां भी बनाई जा रही है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए यहां पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाती हुई देखी जा रही हैं। इस क्षेत्र में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े नेता हैं जो इस क्षेत्र से आते हैं।
सभी बड़े नेता बीजेपी पार्टी से हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस से बड़े नेता हैं गोविंद सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, और ऐसे में यहां पर विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ को निशाना बना लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर और चंबल संभाग एक बड़ा क्षेत्र है। 34 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें इसके अंतर्गत आती है। राजनीति में सिंधिया का गढ़ ये माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो सभी पार्टियां यहां पर दाव लगाती हुई देखी जा रही हैं। आपको बता दें, श्योपुर जिला श्योपुर और विजयपुर है, वहीं मुरैना जिला है, भिंड जिला, ग्वालियर जिला, दतिया जिला, शिवपुरी जिला, गुना जिला और अशोकनगर जिला है। विधानसभा चुनाव पर गौर किया जाए तो साल 2018 में 34 सीटों में से कांग्रेस को 26, बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और बसपा को 1 सीट मिली थी। अब देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे से हैं। यहां पर जीत हासिल करने के लिए सिंधिया के समर्थकों को साइडलाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का विस्तार एक बार फिर से किया जाएगा, फेरबदल किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कुछ हिंट भी मिले हैं, कहीं ना कहीं सिंधिया का जो झुकाव देखने को मिला राहुल गांधी की तरफ भी देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि जब बीते दिसंबर के महीने में बीते साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी, उस वक्त राहुल गांधी जो सरकार गिरने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20 से 25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया, सरकार बना ली। राहुल गांधी की ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए रही। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए एक बड़ा हिंट दे दिया और बीजेपी से ज्यादा सरकार गिराने वाले लोगों पर वह निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी की जब यात्रा निकल रही थी, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भी किया खुलकर, लेकिन वहां पर कयास ये भी लगाना शुरू हो गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, कयास ये हो गए कि इन दोनों की सक्रियता के बाद मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया से देखने को मिलेगा। सरकार गिराने और धोखे वाली बात को राहुल भुनाने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि लोकतंत्र में सबको हक है। वहीं उनकी यात्रा का उन्होंने स्वागत किया, वह भी राहुल गांधी पर सीधे बोलने से बचते रहे। सियासी जानकारों का यही कहना रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह पता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सियासी केंद्र में वही रहने वाले हैं, कांग्रेस के तमाम नेता उन्हीं पर अटैक करेंगे, ये बात बखूबी जानते हैं सिंधिया, और सिंधिया भी यहां पर लगातार संदेश देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने संदेश दिया कि वह उन्हें घेरने में चूकेंगे नहीं, लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आए। पुरानी दोस्ती की खातिर शायद सिंधिया यहां पर चुप्पी साधे हुए देखे गए। राहुल के साथ उनका गहरा बॉन्ड देखने को मिला करता था एक वक्त। राहुल गांधी का कहना यही रहा था इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि बुरहानपुर मोहब्बत का शहर है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपनी बात रखी खुलकर, बीजेपी ने देश में भय और नफरत का माहौल फैलाया, हमने उसी से लड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ये हिंदुस्तान है, यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बिना वह अपनी बात रखते हुए नजर आए। वहीं नरेंद्र मोदी जी पर भी वह लगातार निशाना साधते हुए देखे गए हैं। अब बात आती है सचिन पायलट पर। सचिन पायलट जिन्होंने मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव होकर एक अलग मिसाल दे दी जब वह राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के साथ चलते हुए नजर आए इस यात्रा में। अब इस यात्रा का अंत हो चुका है। 30 जनवरी के दिन श्रीनगर पहुंची ये यात्रा। श्रीनगर में ध्वजारोहण किया राहुल गांधी ने लाल चौक पर। वहीं दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिला कि किस तरह से इस यात्रा में 21 जो दल हैं जिनको आमंत्रण पत्र भेज दिया गया इस समापन समारोह के लिए जो 31 जनवरी को होने वाला है। ऐसे में देखना यहां पर ये होगा कि 12 ऐसे दल हैं जो इस यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और 9 दल साइडलाइन हो चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए यहां पर सचिन पायलट के बारे में, तो सचिन पायलट का झुकाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए शायद अगर आगे नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं सिंधिया की राह वह अपना सकते हैं, कहीं ना कहीं वह भी पार्टी से बगावत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सिंधिया या तो नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अंदरूनी तौर पर देखा जाए, इन सारे ही मुद्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति लोगों का झुकाव, जो नेताओं का झुकाव है, वो यही साबित करता है कि आज भी एक दूसरे के समर्थन में ये लोग खड़े हुए हैं। खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि भविष्य में आखिरकार और क्या कुछ नजारा देखने को मिलेगा। फिलहाल तो
कयासों के आधार पर ये बातें रखी जा रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से यहां पर अब निशाने पर बने हुए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी खेमे में रहकर सिंधिया का कद कितना बढ़ता हुआ नजर आता है, क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। बतौर सांसद के तौर पर कभी वह नजर आएंगे, फिलहाल तो मोदी कैबिनेट का हिस्सा वह है ही, मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में जिस तरीके से हलचल मचती हुई नजर आएगी, क्या कहीं ना कहीं सिंधिया घर वापसी के संकेत दे रहे हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये राजनीति है, यहां पर कब कौन सा नेता दल बदलते हुए नजर आए ये वक्त के साथ साथ पता ही चल जाता है। फिलहाल हमारे इस सियासी सच प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।